हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पर आप सभी का स्वागत है और साथ में ही डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर में भी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वो है हमारा एनहांसमेंट यूजिंग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो एनहांसमेंट का जिस हिसाब से हमारा सीरीज चालू है, तो एनहांसमेंट के सीरीज में एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ओके, तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हमें क्या करना है, इमेज का एनहांसमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली एनहांसमेंट होता है क्या है। ओके, तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो डिफिनेशन दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने स्क्रीन को पॉज कर लें और वो डिफिनेशन को ठीक से पढ़ लें। ओके, वैसे तो मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये डेफिनेशन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन एनहांसमेंट, इमेज एनहांसमेंट। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग एनहांसमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इमेज के अंदर जो भी कोई नॉइज़ प्रेजेंट है या फिर कोई डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पे इमेज एनहांसमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, और सिंपली और क्या बोल सकते हैं कि एनहांसमेंट मेनली यूज टू रिमूव नॉइज़, जो नॉइज़ होता है नॉइज़ को रिमूव करने के काम आ जाता है। अगेन, आपके इमेज को शार्प बनाता है और ब्राइट बनाता है, ताकि आप उस इमेज को क्लियरिफाई कर सके कि इमेज में कौन सा इंफॉर्मेशन या फिर कौन सा की फीचर या फिर की इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। ओके, तो वो की इंफॉर्मेशन को आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनहांसमेंट। तो बेसिकली एनहांसमेंट को हम लोग कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल और एंड लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज को ओवरकम कर सकते हैं, यानी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको टोटली रिमूव कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम द इमेज, इमेज में से उसको रिमूव करके हम लोग इमेज को क्या कर सकते हैं, एनहांस इमेज बना सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द एनहांसमेंट आर एस फॉलोस। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, एक होता है एंड ऑपरेटर जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं पी एंड क्यू, अगर उसके बाद होता है और ऑपरेटर जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं पी और क्यू, और तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर, तो जिसको हम लोग जिसमें आपका सिर्फ एक सिंपल सा एक गिवन इमेज रहेगा या फिर रियल इमेज बोल सकते हैं, तो उसके आगे सिर्फ आपको क्या करना है, नॉट पी हो जाएगा या फिर नॉट क्यू हो जाएगा। तो आपको कोई भी एक सिंगल इमेज दिया गया रहेगा, तो आप लोग सिर्फ उसके ऊपर नॉट जब लगा देंगे तो उसका एक इनवर्स इमेज आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है कुछ आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एनहांसमेंट में। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स वी यूजुअली यूज टू मेक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन एवरी पिक्सल बाय पिक्सल अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट्स। जो भी आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दो इमेज होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है, एक रियल इमेज होगा और एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा, तो वो दोनों स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी गिवन रहेगा और जो आपका रियल इमेज रहेगा वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, दोनों के ऊपर दोनों के बीच में एक ऑपरेटर लगाना है, जैसे कि एंड और या फिर नॉट हो गया, तो इन ऑपरेटर को उनके बीच में लगाना है। और जो ट्रूथ टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, उसका लॉजिक बनाना है, और वो पिक्सल बाय पिक्सल, मतलब एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के साथ में ही, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का भी फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा आपको उसके साथ में इसका ऑपरेशन करना है, ना कि कोई दूसरे एलिमेंट के साथ में। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग और भी इसके लिए क्लियरिफाई हो जाएंगे कि हमें एनहांसमेंट एंड और नॉट इस ऑपरेटर्स में कैसे हम लोग एनहांसमेंट करते हैं। ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने ये हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें एक एंड गेट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और दूसरे इसमें और गेट का यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पिक्सल बाय पिक्सल होता है, पिक्सल टू पिक्सल, जैसे कि पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट के साथ में इन दोनों पे, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एंड गेट है, तो वन एंड जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आपको एंड गेट का ट्रू टेबल पता होगा, अगर वन वन होता है यानी दोनों के दोनों वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो ही आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आता है, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वन एंड जीरो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो आएगा, अगेन वन एंड जीरो, जीरो आएगा, जीरो एंड जीरो क्या रहेगा आपका, जीरो, अगेन यहाँ पे जीरो एंड वन क्या हो जाएगा, जीरो, वन एंड वन ट्रू ट्रू है यानी वन हो जाएगा,
वन एंड वन, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा, वन एंड वन वन। अगर कोई भी आपको डिफरेंट दिख जाता है, कोई भी अगर एलिमेंट अगर डिफरेंट रहता है एंड गेट में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अगर डिफरेंट रहा। और अगेन जीरो जीरो भी रहा, अगर दोनों के दोनों अगर फॉल्स हैं, तो आपका आउटपुट क्या रहने वाला है, फॉल्स ही रहने वाला है। ओके, तो उसके लिए दोनों के दोनों अगर ट्रू है तो ही आपका ट्रू वैल्यू आता है, अदरवाइज सारे के सारे जो भी वैल्यूज रहेंगी कंडीशन सारे के सारे आपके फॉल्स रहते हैं, यानी जीरो जीरो के फॉर्म में रहता है। वन एंड वन क्या हो जाएगा आपका वन। तो इस तरीके से आपका एंड गेट, ओके एंड गेट एंड लॉजिक ऑपरेटर का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला एक एग्जांपल, जिसके थ्रू हमने एंड लॉजिक ऑपरेटर के हेल्प से हमने पहला वाला एग्जांपल देखा। और दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका और गेट का है। सिंपली आपको करना क्या है, पिक्सल टू पिक्सल ही करना है, बाकी आपको इधर उधर कहीं भी जाना नहीं है, आपको सिर्फ पिक्सल टू पिक्सल, पहला एलिमेंट है तो इसका भी पहला एलिमेंट उनको ही सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे कि और गेट, तो और गेट में क्या होता है, अगर वन जीरो है तो भी आपका वन आएगा, जीरो वन है तो भी आपका वन आएगा, वन वन रहा तो भी वन आएगा, और अगर सिर्फ एक कंडीशन पे जीरो रहता है, अगर जीरो जीरो दोनों के दोनों एलिमेंट अगर जीरो है तो ही आपका आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे वन और जीरो क्या आ जाएगा, वन वन और जीरो वन, वन और वन वन, वन और वन वन, जीरो और वन वन, जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, जीरो और वन वन, वन और वन वन। ओके, जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं आपके सारे के सारे एलिमेंट वन 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 सारे के सारे वन आए हैं। तो ये होता है आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आपके दो ऑपरेटर को एक हमने उसका एक एग्जांपल देख लिया, और किस हिसाब से हम लोग इमेज में इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग इमेज को कैसे एनहांस करते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये लॉजिकल ऑपरेटर टोटली समझ में आया होगा और क्लियरिफाई हो गया होगा। और अगर आपके कुछ फर्दर क्वेश्चंस भी होते हैं इसके ऊपर, यानी सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डालें, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को टोटली समझ में आ गया है। और जो अगला वीडियो हमारा बनने वाला है वो बनने वाला हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर पे। तो तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर एक बार क्लिक कर लें। ओके, तो चलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।